नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर है जहां कोरोना पर एक्शन में सीएम शिवराज। मंत्रालय में दोपहर 3:30 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे, सभी कलेक्टर एसपी कमिश्नर इस बैठक में शामिल होंगे। 3:30 बजे ये बड़ी बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। प्रदेश के सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे, इसमें सभी कलेक्टर एसपी कमिश्नर शामिल किए जाएंगे। जाहिर तौर पर आप मौजूदा वक्त में जो स्थितियां आज बनी हुई हैं प्रदेश के अंदर, उन सभी चीजों को लेकर के रिव्यू लिया जाएगा और इस पर कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। तो कोरोना पर एक्शन प्लान सरकार की तरफ से पहले ही तय किया जा चुका है और इसी को लेकर के हाई लेवल मीटिंग यहां पर बुलाई गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। इसमें सभी कलेक्टर एसपी, तमाम बड़े अधिकारी और साथ ही साथ इसमें कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं वो सभी इसमें बुलाए गए हैं। यानी कि बड़ा इस पर आप यहां तस्वीर देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि मौजूदा वक्त में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जब दस्तक हो चुकी है, उसके अब हर रोज के हिसाब से जब संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं तो ये बड़ी चिंता का कारण है। और इसको लेकर के मध्य प्रदेश और खास करके इंदौर में अगर आप जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, जो मामले अब तक सामने आ चुके हैं प्रदेश के अंदर, वो सभी चिंता का एक बड़ा कारण बने हुए हैं। और इसको लेकर के ये हाई लेवल मीटिंग भी इसीलिए बुलाई गई है। आप मौजूदा वक्त में अभी तक की तैयारियां क्या हैं, आने वाले समय में अगर आप खुदा ना खास्ता कभी ऐसा होता है कि आप परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता है, तो ऐसे वक्त के लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए, क्या उस पर एक्शन लिया जा सकता है, ये सभी चीजें हैं। और मंत्रालय में दोपहर 3:30 बजे इसीलिए ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, क्या अभी तक जानकारी है कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामले? दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की हाई लेवल बैठक जिसमें तमाम अधिकारी इसमें मंत्री शामिल किए जा रहे हैं, कुछ बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, अगर बीते 24 घंटे की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 45 मामले सामने आए हैं, 45 पॉजिटिव केसेस हैं और अब तक 10 जो है ओमिक्रॉन के मामले भी सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि सरकार चिंतित है कि कहीं तीसरी लहर मध्य प्रदेश में आहट ना दे दे, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार इस तरीके की मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रतिदिन लगभग कोरोना की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी बैठक मंत्रालय में 3:30 बजे बुलाई गई है शिवेंदु, जिसमें तमाम मंत्रियों को बुलाया गया है, साथ ही जो वर्चुअल तौर पर विभागों से जो संबंधित विभाग हैं उनके तमाम अधिकारी जो मुखिया हैं वो इस बैठक में जुड़ेंगे। कुल मिलाकर कोरोना की समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे और दूसरा खास विषय ये रहने वाला है शुभेंदु कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को जो वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है और वैक्सीनेशन डोज जो हेल्थ वर्कर्स को और बुजुर्गों को दिया जाना है उसकी क्या कुछ योजना रहेगी, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, उसकी तैयारियों को लेकर बात होगी। कोरोना की समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। कुछ नए प्रतिबंध की बात, हालांकि मुख्यमंत्री ने इनकार किया था कि नए प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क सेलिब्रेशन हो या फिर डीजे पर बैन लगाने की बात हो, स्कूलों पर अल्टरनेट क्लासेस हो या दूसरी भीड़भाड़ वाली जगहों की बात हो, उन पर सख्ती जरूर सरकार कर सकती है और आज इसका एक्शन प्लान तैयार इस बैठक में जरूर हो जाएगा। ब्रजेश, दो चीजें हैं क्योंकि यहां पर सबसे पहले तो वैक्सीनेशन के साथ कैसे, और खास करके जब 15 से लेकर के 18 उम्र के जितने भी युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेशन के साथ जुड़ने की प्रक्रिया है, वो सब कुछ कैसे होगा आज, हो सकता है इस बैठक के अंदर इस पर भी नजर बनाई जाए, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसमें आप बढ़ते खतरे को देखते हुए एहतियाती कदम इसमें और क्या सख्ती भरे उठाए जाने चाहिए, दूसरा पहलू यह भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए सख्ती भरे कदम हो सकते हैं शुभेंदु। पड़ोसी राज्यों से आने वाली जो बसें हैं या फिर ट्रेनों के द्वारा जो दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, उन पर कहीं ना कहीं और सख्त प्रशासन हो सकता है। कोरोना की जांच रेलवे स्टेशन पर भी अनिवार्य की जा सकती है। और सख्ती की बात करें तो स्कूल हो या भीड़भाड़ वाली जगह, क्योंकि शादी का सीजन है, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, अभी क्रिसमस सेलिब्रेशन में हमने देखा कि देर रात तक पार्टीज चलती रही थी, भीड़भाड़ जो थी वो बाजारों में भी देखी गई थी और दूसरी जगहों में देखी गई थी, तो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। बाजारों में हमने लगातार खबरें दिखाई हैं कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए थे ग्राहकों के खड़े होने के लिए, वो अब नदारद है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं भी नहीं हो रहा है, इसको लेकर सख्ती बरती जा सकती है। इसके अलावा रोजगार मेला हो या फिर यूरिया की उपलब्धता हो, धान का उपार्जन हो,
ये तमाम मुद्दे तो रहेंगे ही, लेकिन बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा यही है शुभेंदु कि कोरोना की थर्ड वेव पर किस तरह से रोका उसको जा सके, और अगर रोक नहीं पाते हैं तो उसकी तैयारी किस रूप में सरकार करके रखे, चाहे वो अस्पतालों में संसाधन की प्रशासन के सामने हो। अभी बहुत ऐसी बड़ी संख्या है जिसमें दूसरी डोज लोगों ने नहीं लगवाई है, तो ऐसे में जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक दूसरी डोज नहीं लगवाई है उनको वैक्सीनेट करने के लिए, दूसरी डोज उनको देने के लिए क्या इसके लिए भी आप कोशिशें तेज होंगी? वैक्सीनेशन महाअभियान इससे पहले भी कार्यक्रम चलाए गए थे, हालांकि जो लक्ष्य तय किया गया था मध्य प्रदेश उसमें आगे अव्वल रहता है, लेकिन अब आगे क्या ऐसे ही अभियान बढ़ाने की चलाने की जरूरत आ चुकी है? बिल्कुल, देखिए हमने शुरुआती दौर में देखा था शुभेंदु के लगातार जो अभियान चलाए गए थे वैक्सीनेशन महाअभियान, जो चार बड़े अभियान शुरुआत के थे उनमें बहुत ज्यादा रिस्पांस मिला था, सरकार ने काफी प्रचार किया था, लेकिन अगले चार अभियानों की बात करें तो बहुत कम वैक्सीनेशन उसमें हुआ था, और नतीजा इसका यही रहा कि दिसंबर का एंड है, कल आखिरी दिन है, लेकिन अब भी 68 लाख लोगों को वैक्सीन नहीं लग सकी है। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने शुभेंदु दोहरी चुनौती है, एक तरफ तो किशोरों को अब जो है वैक्सीन लगानी है, बूस्टर डोज लगाने हैं, दूसरी तरफ पिछले साल का जो टारगेट है वो पूरा करना है। तो इस दोहरी चुनौती के लिए, दोहरे काम के लिए सरकार कैसे तैयार रहेगी, क्या इसका एक्शन प्लान होगा, इस पूरी बात होगी, पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार नए साल के लिए, अगले 2-3 हफ्तों के लिए, या कहें कि पूरे जनवरी महीने के लिए सरकार यहाँ एक नई और बड़ी योजना बनाती हुई नजर आएगी। ब्रिजेश, आज इस बैठक के जरिए 3:30 बजे बैठक होने जा रही है, कुछ ही समय रह गया है, तो इस बैठक के जरिए आज कुछ बड़ा, क्योंकि हम शुरुआत से ही चर्चा कर रहे हैं कि क्या कोई बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री ले सकते हैं, क्योंकि जब भी उनसे सवाल किया जाता था कि क्या पाबंदियां बढ़ सकती हैं, क्या सख्ती की जा सकती है, तो शुरुआत में उनके द्वारा यही कहा गया था, उन्होंने साफ किया था कि ऐसी कोई सख्ती हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई उसके आधार पर उन्होंने एक्शन लिया। तो क्या आगे जिस हिसाब से अभी नए संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में बहुत तेजी के साथ ग्राफ बढ़ रहा है, तो क्या ऐसे में और भी ज्यादा सख्ती बढ़ सकती है, और अगला एक्शन क्या हो सकता है? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए 45 मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं, ये 2.5 महीने में सबसे ज्यादा है, यानी अलार्मिंग सिचुएशन है, चिंता की बात है, और यही वजह है कि कुछ कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हों, या फिर जो बाजारों में काम धंधे प्रभावित हों, लोगों को मजदूरी या रोजगार उनसे छिने या उनको काम करने में कठिनाई हो, लेकिन हाँ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जरूर स्ट्रिक्ट सरकार हो सकती है। इसको लेकर प्रशासन को, नगर निगम के अमलों को कड़े निर्देश मुख्यमंत्री यहां पर आज दे सकते हैं कि वो बाजारों में जरूर सख्ती से जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन कराएं। बाजारों में सख्ती के साथ पालन करवाया जाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सार्वजनिक जगहों पर जाकर के लोग जो हैं वो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, गाइडलाइंस की पालना नहीं कर पाते हैं। ब्रजेश, इसके लिए अब सख्ती भरे कदम उठाने के लिए भी कह दिया गया है, और साथ ही साथ नए साल के आगमन से पहले ही ये तय कर दिया गया है कि सार्वजनिक जगहों पर अगर कोई भी जाता है तो वैक्सीनेशन के साथ उनको पहुंचना होगा, यानी कि वैक्सीनेट वो होने चाहिए। इस बात को लोग समझ रहे हैं क्या? लोगों के बीच इसको लेकर के रिएक्शन क्या है, प्रतिक्रिया इस पर क्या होती है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें लोगों की तो बहुत कम लोग अभी अवेयर हैं, और वो मास्क लगा के बाहर निकलते हैं जब भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं, या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और दूसरों से इसका आग्रह करवाते हैं कि वो भी इसका पालन करें। लेकिन अगर ज्यादातर हम लोगों की बात करें तो वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग भूल चुके हैं। हमने देखा कि फर्स्ट वेव जो थी कोरोना की, वो असमंजस में लोग थे, डर का माहौल एक था, सेकेंड वेव के बाद लेकिन लोग जो है रिलैक्स नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन होने के बाद लोग निश्चिंत हैं कि अब हमको कोरोना नहीं होगा। लेकिन ये समझने वाली बात होगी कि एक बड़ा करियर वो बन सकते हैं कोरोना का, भले ही वैक्सीनेशन के बाद जो वायरस है वो ज्यादा इफेक्ट ना करे, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत घर में रहने वाले बच्चों की है, और यही वजह है कि सरकार इस गंभीरता को समझ रही है, लेकिन लोग बहुत कम संख्या में। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब क्योंकि 3:30 बजे ये बैठक शुरू होने जा रही है, तो बैठक से पहले अभी कुछ सरगर्मियां तेज हैं, मंत्री आना शुरू हो गए हैं, अधिकारी आना शुरू हो गए हैं क्या? बिल्कुल, देखिए मंत्रालय में जो विभाग प्रमुख अधिकारी हैं, SES लेवल के अधिकारी हैं, वो मंत्रालय में मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ मंत्री मंत्रालय में आ चुके हैं, बाकी के तमाम मंत्री अभी आने बाकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम सिंह चौधरी आने बाकी हैं, और भी दूसरे मंत्री आने बाकी हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में यह बैठक होगी, सब लोगों का आना शुरू हो गया है। 3:30 बजे यह बैठक शुरू हो जाएगी, उसके पहले तमाम मंत्री अधिकारी पहुंच जाएंगे, और शुभेंदु ये लगभग माना जा रहा है कि 1 घंटे यह बैठक चल सकती है। 4:30 बजे एक प्रेस नोट जारी
होगा जिसमें बताया जाएगा कि आखिर बैठक का लव्व लेवा क्या है और इसमें क्या कुछ नए निष्कर्ष और योजना सरकार ने बनाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पर जानकारी देने के लिए। तो